हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि सर सेकंड सेमेस्टर डीएलएड का मैथ करा दीजिए, तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं सेकंड सेमेस्टर डीएलएड मैथ्स की क्लास को लेकर। इसमें हम दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने पहली क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और दूसरी क्लास में मैंने आपकी यूनिट नंबर 1 लाचा तथा मैसा के का एक लैसा वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, यदि आपने अभी तक वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस पहले पार्ट को कंप्लीट करें, उसके बाद इस पार्ट को देखना। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि फोर्थ सेमेस्टर मैथ साइंस इंग्लिश सोशल साइंस की क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं रेगुलरली। कंप्लीट सिलेबस कराया गया है और जितना भी सिलेबस कराया गया है उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसी में से आना सब कुछ। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेना यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सिलेबस करा ही रहा हूँ, रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, अल्टरनेट डे के हिसाब से भी मिल सकती है वीडियो, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस करा दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो सिलेबस को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर आज वीडियो नहीं आई, सिलेबस नहीं हो पाएगा। सिलेबस की गारंटी मेरी है, मैं आपके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस भी कराऊंगा और एक दो प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। ठीक है, तो सिलेबस की टेंशन आप मिस पे छोड़ देना। और आपको क्या करना है, सिर्फ जितनी भी मैं आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ उनको अच्छे से देखना है, रिविज़न करना है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क से दूंगा उन क्वेश्चंस को बनाना है घर पे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस क्लास में मैसे के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इस क्लास में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ देख लेते हैं हम, एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे बता दूं, जैसे हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, वैसे ही एचसीएफ निकालने के भी दो मेथड होते हैं। सबसे पहला आपका होता है अविभाज्य गुणनखंड विधि, अविभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा आपको होता है भाग विधि। ठीक है, एलसीएम के में भी हमने दो दो मेथड पढ़े थे और एचसीएफ में भी हम दो मेथड ही पढ़ेंगे, अविभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, सबसे पहले हम अविभाज्य गुणनखंड विधि की बात करते हैं। अविभाज्य गुणनखंड विधि, इसके द्वारा हम किसी भी नंबर्स का, किन्हीं भी नंबर्स का, चाहे हमारे पास दो नंबर हों, तीन नंबर हों, चार नंबर हों, कितने भी नंबर हों, उनका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया कि मैंने 8, 16 और 24 तीन ऐसे नंबर्स ले लिए। ठीक है, जिनका हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो, प्राइम फैक्टर करने के कई तरीके हैं। अगर आपको प्राइम का फैक्टर करने आते तो आप सिंपली प्राइम फैक्टर दिमाग में भी कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये सिर्फ आपका रफ कार्य रहेगा, आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर लिखने हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे लिखने, लेकिन जो मैं आपको रफ कार्य बता रहा हूँ ये आपको नहीं करना है, ये आपको बैक पेज पे करना है। ठीक है, तो देखो 8 को हम, 8 के प्राइम फैक्टर हम कैसे लिखेंगे। देखो, जैसे 8 है तो 8 को हम डिवाइड किससे कर सकते हैं, देखो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 8 को। कितनी बार जाएगा 2 से, 4 बार जाएगा। फिर 2 को हम कितने से डिवाइड कर सकते, 4 को कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा ये, फिर 2 बार जाएगा। फिर 2 को किसने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, ये 1 जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 8 के हमारे जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आपका रफ कार्य है, ये आपको बैक पेपर पे करना है जब आप एग्जाम में करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हमारा 16 है, 16 को भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम।
कितने से डिवाइड कर सकते हैं 16 को? देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 8 को कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अभी करा है, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका मतलब क्या कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि 16 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 24 के अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो 24 को हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा ये, 12 बार। फिर 12 को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 6 बार। फिर 6 को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। फिर 3 को कितने से डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 से, 3 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं सॉरी। तो 3 से कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो इसलिए हम 12, अगर हम 24 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एचसीएफ की, एचसीएफ हमारा क्या होगा। देखो मैंने एलसीएम में आपको बताया था कि सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स देखते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनके जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, तो एक 2 लिख लेंगे। उसके बाद दो दूसरा 2 है, यहाँ पे भी दूसरा 2 है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा 2 है, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी तीसरी बार 2 है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद हमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 3 है तो इन दोनों नंबर में 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो इन दोनों, इसमें 2 नहीं है, फिर इसमें भी 2 नहीं है और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे, उन्हीं को लिखने के बाद हम उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 × 8, ठीक है, 2 × 2 = 4 × 8। तो इसका मतलब क्या है कि 8, 16 और 24 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो हमारा क्या होगा, 8 होगा, ठीक। ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं ये हमारा उसके बारे में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं भाग विधि के बारे में, ठीक है, कि भाग विधि से हम कैसे इनके एचसीएफ के एचसीएफ को निकालेंगे। नंबर्स हमारे पास क्या थे, हमारे पास नंबर थे 8, 16, 24, ठीक है। भाग विधि से निकालने के लिए, भाग विधि से निकालने के लिए आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, भाग विधि से निकालने के लिए आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं जो भी आपका मन करे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपके 8 और 16 ले लिया, ठीक है। 8 और 16 में जो भी हमारा छोटा नंबर होगा, जो भी आप दो नंबर लेंगे, आप 16 और 24 भी ले सकते थे, ठीक है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 8 और 16 ही लेने हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपको सिर्फ दो नंबर लेकर चलना शुरू में, ठीक है। और उन दो नंबर में जो भी नंबर छोटा होगा उससे आपको क्या करना है, बड़े नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मैंने 8 और 16 लिया तो मैं 8 से 16 को डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 × 2 = 16, और मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी होती है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहाँ पे छोटे नंबर थे, मैंने 2 बार डिवाइड किया 8 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद जिस वैल्यू को से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, जिस वैल्यू से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, वो उस नंबर से हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमेनिंग नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा रिमेनिंग नंबर क्या है, जो हमने पहले लिए थे 8 और 16 लिए थे, उसके बाद रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या बचा, 24। तो अब इस 24 से हम क्या करेंगे, इस 24 को हम इस 8 से डिवाइड करेंगे जिस पर हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पर 3 times जाएगा, 3 × 8 = 24, तो इस पे भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया था। इसका मतलब क्या है कि ये 8 जो है हमारा, इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब एचसीएफ है। इसलिए एचसीएफ जो होगा इनका वो कितना होगा, 8 होगा। ये हमारी क्या है, भाग विधि है। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी बात, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं कोई भी डाउट आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा क्लियर होगा आपको, ठीक है, चीज़ों को हमें कैसे करना है।
जैसे एग्जाम्पल नंबर, मैंने क्वेश्चन नंबर लिया एग्जाम्पल टू मान लीजिए, या क्वेश्चन नंबर टू मान लीजिए आज की क्लास का, कि 120, 144, 204, ठीक है, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसके एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो इधर कर लेते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, चलो यहीं कर लेते हैं। दो से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा, फिर दो से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, फिर दो से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, फिर दो से काटेंगे कितनी बार, दो से नहीं कटेगा, फिर तीन से कटेगा, ये कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। वैसे हम 144 के फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, दो से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर ये 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये फिर 36 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये हमारा 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 से फिर 1 टाइम जाएगा। ये हमारे 144 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। तो प्राइम फैक्टर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। 204 के हम प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, तो 2 से जाएगा, 2 इक्ना 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 इक्ना 2, फिर 3 से जाएगा 17 टाइम्स, ठीक है, और फिर कितने से जाएगा, ये 17 से ही जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो इनके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 120 के प्राइम फैक्टर क्या आए थे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। उसके बाद 144 के प्राइम फैक्टर क्या आए थे हमारे पास, 144 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आए थे, 144 के प्राइम फैक्टर आए थे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 4 टाइम्स हमारे 2 था और 2 टाइम्स हमारे पास क्या था, 3 था। उसके बाद अगर हम 204 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, प्राइम फैक्टर्स थे इनके, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, मैंने तुमसे बताया था कि आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखने तीनों में, तीनों में। तो सबसे पहले ये कॉमन आ रहा 2, फिर ये कॉमन आ रहा 2, उसके बाद कोई और 2 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब क्या, एक 3 हमारा कॉमन आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये कॉमन आ रहा 3। उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 बच रहा, तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ जो होगा हमारा क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा क्या, देखो 2 कॉमन आया था, एक दूसरा 2 कॉमन आया था, एक 3 कॉमन आया था, तो 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का हमारे पास एचसीएफ जो आया वो कितना आया, 12। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ निकालना है तीन नंबर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम भाग विधि से बात करते हैं कि भाग विधि से इन्हीं नंबर्स का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए भाग विधि थोड़ा सा नीचे को कर लेते हैं इसको, ठीक है। भाग विधि से कैसे निकालेंगे एचसीएफ उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर्स क्या थे हमारे पास, 120, 144 एंड 204, ठीक। मैंने बताया था कोई भी दो नंबर ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कि आपको शुरू के दो ही लेने हैं, लास्ट के दो नहीं ले सकते, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने शुरू के दो ले लिए क्योंकि ये आसान होता है, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर लेके चलते हैं दो, ठीक है, ये आसान प्रक्रिया होती है हमारी, ठीक है। तो 120 से हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जो भी दो नंबर लोगे उसमें से छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे 120 से किसको, 144 को, कितनी बार जाएगा भैया, एक बार जाएगा सिर्फ 120, कितना बचेगा हमारा यहाँ से, 4 बचेगा, यहाँ से कितना, 2 बचेगा। अब इस 24 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इस
120 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम इस प्रक्रिया को लगातार करते चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाग विधि से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं तीन नंबर्स की, तीन डिजिट की संख्या होगा, ठीक है। चलिए तो 24 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा ये, आई थिंक ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 5 4 20, 5 6 20 होते हैं, कैरी कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। और 5 5 4 20, कैरी 2 आया, 5 2 10 और 2 12, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना गया, 0। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते चले जाते हैं। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे कि इस 24 से जो हमारा रिमेनिंग नंबर बचा है उसको डिवाइड करेंगे। तो 24 से 204 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। चलिए अब कितनी बार जा सकता है यहाँ पे देखिए, अगर हम 9 से बात करें, 9 2 18 होते हैं और 9 4 36 ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम्स। कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, मतलब कि 8 4 32, 2 3 हमारा क्या आया कैरी आया, फिर 8 2 16 और 3 19, ठीक है, 192 आ गया। अब माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ से कैरी लेंगे 10 का तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, हमारे पास कितना बचा 12। अब इस 12 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 24 आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0। तो जो भी लास्ट नंबर होता है, जो भी लास्ट नंबर होता है जिससे डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। इसलिए एचसीएफ, ठीक है, क्या होगा हमारा 12 हो जाएगा, किस किस नंबर्स का, 120 144 और 204 का, ये भाग विधि थी हमारी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समान ये भी अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे हमें भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें ज़रूर, ठीक है, तभी हमें मनोबल मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। वरना 1 साल से ज़्यादा हो गया हमारे चैनल को बने हुए, देख लेना आप हमारे चैनल पर वीडियो तो अच्छी पड़ी हुई हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा, ठीक है, बच्चों को समझ में भी आता, बच्चे तारीफ भी करते हैं, फिर भी सब्सक्राइबर हमारे कितने हैं, सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी 1 साल में, ठीक है। इतने दिनों में तो लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, फिर भी फ्री की चीज़ अच्छी नहीं लगती बच्चों को, ठीक है, पैसे से जो मिलती है ना वो अच्छी लगती है, फ्री में तुम चाहे कितनी ही अच्छी चीज़ दे दो वो अच्छी अच्छी नहीं लगती या पसंद भी नहीं आती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से गेन हो और हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट हो, ठीक है, हमारा भी मन करे कि हाँ भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं भी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आपसे पूछा है, नहीं दिखाई दे रहा, यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि भाग विधि द्वारा 671 781 और 1441 का HCF, HCF मतलब मैस से, आपको मैस से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। भाग विधि से 671, 781 और 1441 का HCF मैस से ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, भाग विधि से पूछा, मैंने बोला कि कोई भी दो नंबर ले, किस किस का, 771 671 781 और 1441, ठीक। सबसे पहले मैंने बोला कि आप छोटे दो नंबर लेकर चलें, छोटे दो नंबर क्या, 671 और 781, तो 671 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 781 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 1 बार जाएगा, 671, ठीक है। 0 यहाँ से कितना आएगा हमारा 1 और यहाँ से कितना आएगा 110 आ गया, फिर इससे किसको डिवाइड करेंगे, 671 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना बार जाएगा ये, 6 बार जाएगा, मेरे हिसाब से 6 बार जाएगा, 0 6 6, हाँ
ठीक है, कितना बचेगा 11। फिर 11 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 110 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये, देखो 10 बार जाएगा पूरा पूरा, 11 दहाई कितने होते हैं 110 होते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते चले जाते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब ये लास्ट नंबर जो बचा है क्या है, हमारा 11 है, इसी पे हमारा पास, हमारे पास रिमाइंडर कितना आया है, इसी पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0 आया है, ठीक है। इसीलिए इसी 11 से या 11 से हमारा जो नंबर बच गया लास्ट, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या पर जाएगा रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या है, 1441। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 14 में डिवाइड हो जाएगा 11 से, आराम से हो जाएगा, एक बार जाएगा 11 बन जाएगा 11, कितना आएगा 3, फिर 4 उतार लेंगे हम, ठीक है, राइट डाउन करेंगे 4, उसके बाद कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 11 3 जा 33 होते हैं, 11 थे 33, ठीक है, कितना जाएगा फिर 1 आएगा, फिर कितना 1 उतारेंगे तो कितना आएगा 11, फिर 1 टाइम्स जाएगा 11 बन जाएगा 11, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। इसका मतलब क्या है कि ये 11 जो है हमारा 671, 781 और 1441 का क्या है, SCF है। इसलिए एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे आंसर को, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसलिए SCF या मैस है, ठीक है, बराबर कितना होगा 11 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आए होंगे, क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम यूनिट 1 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।